टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। उत्तर शिव दहिसर मोरी के पास आज कुछ गोदामों में आग लग गई। ये आग काफी भयानक थी। काले रंग के धुएं का गुमार और आग की तेज लपटें आप देख सकते हैं। आग से 3 से 4 गोदाम जलकर राख हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गोदाम लकड़े, बैटरी और भंगार के थे। करीब 5 से 6 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। मुंद्रा के रेती बंदर में मानसूफ हिरन की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि 10 घंटे तक डेथ बॉडी पानी में पड़ी थी। बताया जा रहा है कि पीठ में जख्मों के निशान मिले हैं। मनसुख का विसरा कालीन का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा गया है। डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही कई सवालों के जवाब स्पष्ट हो पाएंगे। 15 साल की लड़की के कमर को छूने पर मुंबई की एक अदालत ने एक दर्जी को 3 साल की सजा सुनाई है। 15 साल की एक कॉलेज की लड़की बस में घर लौट रही थी और वर्ली क्रॉस होने के बाद ही बस में सवार लड़की के कमर को एक व्यक्ति ने छुआ, जिसकी शिकायत पर सुनवाई में 37 साल के जावेद शाह को 3 साल की सजा सुनाई गई है और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। थाने पुलिस ने एक ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 100 किलो गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम विजय सूर्यमन पटेल बताया जा रहा है। थाने के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हाथ होने की खबर नहीं है। हालांकि आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल सका। बिहार के मुंगेर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कुछ महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब बीच बचाव किया, इसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बिहार के कैमूर में दीवार गिरने से गर्भवती महिला सहित 2 बच्चों की दीवार के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे के बाद पत्नी और 2 बच्चों को गंवा चुके पति के मानो दुनिया ही उजड़ गई है। सरहद पार करना एक गोविंद नाम के युवक को इस तरह भारी पड़ा कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला यूपी के पीलीभीत का है। गोविंद अपने दोस्तों के साथ नेपाल गया था और पुलिस की गोली का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शौच करने गई दलित महिला श्रीदेवी को दबंगों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। महिला ने बयान में 3 दबंगों का नाम बताया है। छोटे लाल संतोष असंतोष पर ये आरोप लगाया है। गंभीर अवस्था में जल चुकी महिला को लखनऊ सिविल लाइन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए 10 लाख की बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी किया है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा और पहला देश 10 लाख की करेंसी छापने का बन गया है। गौरतलब हो कि 10 लाख बोलीवर करेंसी की कीमत भारतीय रुपये के अनुसार केवल 36 रुपये है, जिसमें भारत में आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिल पाएगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।